Pod, bro. PUBG बैन हो गया बहुत ब्रो, फिर PUBG आ गया बहुत अच्छा हो गया, फिर PUBG अनबैन हो गया और भी अच्छा हो गया, फिर PUBG बैन हो गया बहुत ब्रो बहुत ब्रो। क्या चल रहा है? वो सब छोड़ो, इतने सारे चीज हो गए, AKX कहाँ था, वीडियोस कहाँ थे? सोड़े में तो गए 2 सितंबर को शाम 5 बजे मेरे जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी ने मुझे ना कस के बर्थडे बॉम्ब दिया है भाई, पबजी को बैन करके, और उसके साथ ही साथ 117 एप्लीकेशन और बैन किए गए हैं, जिसमें ऐसा फालतू फालतू एप्लीकेशन है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लिटरली अगर पबजी को बैन कर दिया गया इसलिए इतना हल्ला होता था, ठीक है। और ये वाला वीडियो लाने में मेरे को बहुत देरी हो गई है। क्यों देरी हो गई? क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम था और मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी था। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्यों पबजी को ऐसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि लिटरली अभी तक मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला है जिसने अच्छे से बताया कि क्यों पबजी को बैन किया गया। साथ ही साथ बात करते हैं कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि बैन करने के बावजूद भी पबजी को वापस अनबैन करा जा रहा है। हाँ, पबजी वापस अनबैन हो रहा है, और जानते ये भी है कि पबजी कब तक अनबैन होगा, कब तक मतलब उसका टाइम कब तक आता है, कब तक वो अनबैन होगा, और लास्टली जानते हैं कि पबजी के हटने के बाद कौन से अल्टरनेटिव एप्लीकेशन पबजी का जगह लेने वाले हैं, क्या वो फौजी है, क्या वो सीओडी है, या क्या वो फ्री फायर है। तो मेरा नाम है अंकित कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि PUBG एक चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, वो एक कोरियन बिल्ट एप्लीकेशन है, कोरियन डेवलपर्स ने PUBG को बिल्ट किया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी PUBG को इसलिए बैन किया है क्योंकि PUBG का टाई अप टेंसेंट कंपनी के साथ था, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और काफी बड़े अमाउंट पे टेंसेंट के साथ कोलैब करके रखा था PUBG, काफी ज्यादा मार्केटिंग वगैरह में PUBG में टेंसेंट का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसीलिए जब चाइनीज एप्लीकेशन की बात आई तो फिर PUBG को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया और PUBG को बैन किया गया। बट यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि PUBG को जो बैन किया गया ना, तो उसका रीजन दिया गया है कि थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी, थ्रेट टू सॉवर्जिनिटी। जब TikTok को बैन किया गया था तो उसके पीछे रीजन दिया गया था थ्रेट टू प्राइवेसी, डेटा लीकेज, डेटा चोरी का इल्जाम लग रहा था YouTube पे, जो कि ऐसा कोई भी टैग PUBG के ऊपर नहीं लगा है, क्योंकि PUBG ने अभी कुछ महीने पहले ही जब भी TikTok बैन हुआ था तो एकदम फटाक से PUBG ने अपना पूरा टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ ऐसे साफ साफ करके अपने लिए अपने एप्लीकेशन के ऊपर चढ़ा दिया था। और जहां तक बात करें परमिशंस की, तो PUBG आपसे केवल 2 परमिशंस लेता है, एक स्टोरेज का और दूसरा आपके माइक्रोफोन का, जिससे आप अपने फ्रेंड्स से चैटिंग करते हैं। तो इसीलिए PUBG एक तरीके से डेटा और प्राइवेसी को लेकर के कभी भी थ्रेटनिंग नहीं रहा है इंडियन के लिए, तो इस पर्टिकुलर रीजन से PUBG को बैन करना तो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एक नया लॉजिक लाया है, नया रीजन लाया है, जिससे उन लोगों का कहना है कि थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हो जाता है ना कि देखो PUBG का एक बहुत बड़ा ओनरशिप है टेंसेंट के पास, ठीक है। टेंसेंट काफी ज्यादा प्रेशराइज करके रखता है PUBG को, और इंडिया और चाइना के बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है। तो मान लो कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ कुछ अजीब सा हो गया, मतलब इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन सही नहीं रहे, आगे जाकर के वर्स्ट सिचुएशन आ गया, खराब रिलेशन हो गया, तो उस समय PUBG 35 मिलियन यूजर्स का गैदरिंग अपने अंडर होल्ड करता है, बहुत सारे लोगों का PUBG के साथ करियर चलता है, बहुत सारे लोग PUBG में अपना टाइम पास करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है PUBG में कोई भी चेंज आने से। तो अगर मान लो ऐसे कुछ सिचुएशंस खराब हो गए, तो उस समय टेंसेंट या फिर कोई भी चाइनीज कंपनी PUBG को इतना ज्यादा प्रेशराइज करके कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स ला सकती है जिससे इंडियन सिटीजन के, इंडियन पब्लिक का माइंड थोड़ा सा डेविएट किया जा सके। एज लाइक हो सकता है कि आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में कोई फालतू सा मैसेज वायरल करना है, और उसके बदले में वो लोग आपको 1000-2000 UC देंगे। भाई लिटरली आपको यहाँ पे लग रहा हो कि यार कितना फालतू सा लॉजिक है, कौन ऐसे 1000-2000 UC के लिए सा फालतू काम करेगा, बट लिटरली बता रहा हूँ यार, इंडिया में से काफी लोग हैं जिन लोगों को इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पे यार 200-500 रुपए में बंदे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक तरीका का प्रेशर बना सकता था, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था इंडिया की तरफ, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसको कवर अप करने के लिए, जिसको ओवरटेक करने के लिए PUBG को बैन करना ज्यादा जरूरी हो गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि PUBG को वापस अनबैन क्यों किया जा रहा है भाई, तो 2-3 एकदम वैलिड रीजंस है जो कि लिटरली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पहले भी डाला था, और यही रीजंस हो सकते हैं हमेशा से जिससे PUBG को वापस लाया जा सकता है, वरना तो यार PUBG का खेल खत्म हो जाएगा।
सबसे पहली बात तो यही है कि पबजी कोई चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, तो उसको बैन करने का कोई रीजन नहीं बनता और ना ही वो कोई प्राइवेसी पॉलिसी या फिर आपके सिक्योरिटी से कुछ खेल करता है, तो इसीलिए पबजी को बैन करना तो लीजिट नहीं है। और जहां तक चाइना की बात है, जहां तक टेंसेंट की बात है, तो पबजी अब टेंसेंट से टाई अप तोड़ रहा है। उसने अपना एक ऑफिशियल ट्वीट डाला है जिसमें उसने कहा है कि वो गेम लोफ के साथ टाई अप करने का प्लान कर रहा है। इससे दोनों बातें होंगी, ठीक है, एक अच्छा भी होगा एक बुरा भी होगा। अच्छा ये हो जाएगा कि यार अगर वो गेम लोफ से टाई अप कर जाएगा तो फिर उसको अच्छा खासा चांस मिल जाएगा वापस आने के लिए, ठीक है, और वो चाइना से जो प्रेशर बन रहा था इंडिया की तरफ वो सब कुछ नहीं होंगे। बट एक दूसरा चीज भी हो जाता है कि अगर गेम लोफ से टाई अप होता है तो गेम लोफ एक काफी एक्सपेंसिव गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके कुछ छोटे मोटे जो गेम्स चलते हैं उसमें भी काफी ज्यादा पेड कम्युनिकेशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं सारे चीजों को खरीदने में। अभी जहां आपको 800 रुपए में रॉयल पास मिल रहा था वो शायद महंगा पड़ने लगे या फिर क्रेट ओपनिंग ज्यादा पैसे लेकर के होने लग जाए, कुछ ऐसा होने लग जाएगा, ये सब अभी पता नहीं है, फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और जहां तक बात करें बीच बीच में मेरे को क्या हो जाता है और जहां तक बात करें कि पबजी को अनबैन करने के कब तक डेट है, ठीक है, कब तक पबजी अनबैन हो जाएगा, तो देखो पबजी को अनबैन होने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि पबजी ने अपना ये रिलीज लाया रेंगल 2.0 के साथ ही साथ उसने वो भी ट्वीट डाला कि वो टेंसेंट से टाइप हटा रहा अपना, मतलब केवल एशिया के लिए वो टेंसेंट से टाइप अपना हटा रहा है और उसके बाद वो किसी और कंपनी गेम लॉफ या फिर कोई इंडियन कंपनी को पकड़ने जा रहा है। बट अभी भी इंडियन गवर्नमेंट उससे एग्री नहीं कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट उससे अभी भी हाथ पीछे रखा हुआ है, वो चाह रहा है कि हमारा कोई एप्लीकेशन एज लाइक पबजी या फिर फ्री फायर थोड़ा ज्यादा ट्रेंड कर जाए जो कि पबजी के प्लेटफॉर्म को ओवरटेक कर सके, ठीक है, तो इसीलिए अभी भी इंडियन गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे रखे हुए पबजी को एग्रीमेंट नहीं दे रहे। और बात ये भी है यार कि देख लो टिकटॉक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था लेकिन उसको फिर से इंडिया में आने में काफी ज्यादा मुश्किलात आ रहे हैं, तो हो सकता है कि पबजी को भी वापस आने में काफी टाइम लग जाए या फिर ना ही आए। और एट लास्ट जब पबजी ऐसे हट गया ना, मतलब ऐसे ऐसे हट गया, ठीक है, तो उस समय जो ऐसे जगह खाली हुई ना, ऐसे मस्त बड़ा सा जगह खाली हुआ है जिसमें लिटरली ऐसे कचड़े भरे जा रहे हैं भाई, कोई 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 भी एप्लीकेशन आ जा रहा है, फ्री फायर, सीओडी, पबजी और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन रस्ते में आ जा रहे हैं, मतलब जितना भी जगह पबजी क्रिएट करके रखा था ना वो सबको ऑक्यूपाई करने के लिए कोई ना हर एप्लीकेशन अपनी तरफ से दौड़ लगाना शुरू कर दिया, फ्री फायर से ऋतिक रोशन में ऐड कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हो रहे हैं। लिटरली ऐसा होता क्यों है वो बताना चाहूंगा। देखो पबजी जिस प्लेटफॉर्म पे था ना, जहां जिस स्टेज पे था वहां पे ना बहुत सारे लोग पबजी पे डिपेंडेंट हो गए थे, एज लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे गेमर्स थे जिनका पूरा करियर, जिनको मतलब आज जो स्टेज है जो प्लेटफॉर्म है ना वो पबजी प्रोवाइड किया है, ठीक है, और पबजी के जाने के बाद उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हाँ ऑब्वियसली वो गेम स्विच कर लेंगे, सीओडी, फ्री फायर कुछ भी खेल लेंगे, बट फिर भी पबजी एक उन लोगों के स्टेज वहां तक का दिया है। तो अब क्या है कि कोई भी मान लो कोई नया एप्लीकेशन लॉन्च होता है ना, एज लाइक पबजी या फिर और भी कोई नया एप्लीकेशन अगर लॉन्च होगा, कोई भी इंडियन बना दे या फिर कोई और बाहरी कंपनी जो कि चाइनीज नहीं हो वो बना करके ला करके प्रेजेंट कर दे और पबजी के जैसा बना दे, एकदम प्लेटफॉर्म पबजी वाला ऑक्यूपाई कर लेना, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो पबजी पे डिपेंडेंट थे वो डायरेक्टली बना बनाया पब्लिक, बना बनाया कस्टमर डायरेक्टली उस एप्लीकेशन पे स्विच कर जाएंगे। आधे लोग तो यार बस उस एप्लीकेशन को पहली बार ट्राई करने के लिए ही घुस जाएंगे उसमें, तो इसीलिए ये एक ना बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे कंपनीज के लिए जो ऐसे दौड़ करके उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, दौड़ करके कोई एप्लीकेशन, कोई भी ऐसे रैंडम सा एप्लीकेशन बट पबजी के कंपेयर के लायक एप्लीकेशन वहां पर रिलीज करना चाहते हैं। तो ये सारे चीजें अभी चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है इन सब में और काफी सारा अपडेट्स मैं लेते जा रहा था, कलेक्ट करते जा रहा था, बट टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो आज टाइम मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर नॉलेज अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें बहुत जगह से ऑक्यूपाई करना पड़ता है, इतने टाइम इसीलिए लगा क्योंकि इतना सारा चीज एक वीडियो में कंपाइल किया मैंने, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करो लाइक करके वीडियो को सकते हो, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर देना, मेक श्योर करो और भी बाकी लोगों के साथ शेयर वेयर करके रखे हो। बाकी हम लोग मिलते हैं कोई नेक्स्ट वाले वीडियो में अनबॉक्सिंग या फिर कुछ ऐसे टिकटॉक के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।